मैजिकल एलिफेंट। वो गोविंदपुर नाम का गांव था। उस गांव के चारों ओर जंगल थे। शेषु नाम का चोर उस गांव के पास रहे जंगल से चंदन की लकड़ियां चुरा कर विदेश रवाना करता था। एक बार डिपो में शेषु चंदन की लकड़ियों को ट्रक में चढ़ाते वक्त एक आदमी आकर, भाई भाई चारों तरफ से पुलिस हमें घेर लिया है, सड़क के रास्ते जाना तो मुमकिन ही नहीं है। ये शेषु अगर प्लान डाला तो फेल होने का चांस ही नहीं है, कह के चिल्लाने लगा। तभी जो जंगली आदमी वहां पे आए, उनसे शेषु, जुम्बा जुम्बा पड़मी जुम्बा जुम्बा, तो वो दोनों कहकर चले गए। वो निकल जाने के बाद शेषु के बगल में खड़ा आदमी, भाई क्या बोला उन्होंने, क्या बात किया उनसे? नाव के मार्ग में जा रहे हैं, रोड के मार्ग में नहीं। शेषु अपने चंदन को नाव के मार्ग में रवाना किया। उस दिन पुलिस स्टेशन में एसआई, शेम शेम, इतने लोग हैं, चंदन को नाव के मार्ग में भी रवाना कर सकते हैं, हम में से किसी ने भी नहीं सोचा, जाओ यहाँ से, सड़क पे हो नाव पे हो चाहे हवा में, किसी को छोड़ो मत, कहके पुलिस फोर्स बढ़ाया। एक बार शेषु को फोन आया, शेषु 10 करोड़ का डील है, जल्दी बस्ते में चंदन की लकड़ियों को भर्ती करके रवाना करना है, पुलिस की चारों तरफ से हमारे ऊपर निगाह है, थोड़ा मुश्किल है भाई। ठीक है तो 10 करोड़ और ले ले, पर डिलीवरी कल ही हो जाना चाहिए। ठीक है, कहा। तब शेषु के चेले शेषु से, अब क्या करेंगे भाई, चारों तरफ से पुलिस हमारे ऊपर जाल बिछाए बैठी है। तू सही कह रहा है रे, चारों तरफ पुलिस है, वही मैं सोच रहा हूँ। तो उतने में शेषु का बेटा आके, पापा पापा मेरा पेंटिंग देखो ना पापा, ये एक हाथी का पेंटिंग है, कहकर दिखाया। तो शेषु को तुरंत एक आइडिया आया, तुरंत वो हाथी जैसा एक बड़ा खिलौना बनाया, उसमें बैठकर हाथी को चलाया। वहाँ पे मौजूद सभी सुपर भाई सुपर कहकर उसे तारीफ किए। वैसे वो दो हाथी का खिलौना बना के उसमें चंदन की लकड़ियों को भर के सड़क के रास्ते हाथी को चलाने लगा। चेक पोस्ट के पास कांस्टेबल हाथी को देखकर, कांस्टेबल सर सर हाथी है सर, कहकर डरने लगे। चुपचाप रे, हाथी को हम डर गए तो उसका गुस्सा और बढ़ जाएगा, उन्हें रास्ता दे दे, कहके उसे रास्ता दे दिए। वैसे शेषु खिलौने की हाथी की मदद से चंदन को पड़ोस के राष्ट्र में रवाना किया। वैसे हर रोज हाथी का आना, एसआई कांस्टेबल उसे रास्ता दे देना हो रहा था। एक बार एसआई कांस्टेबल से, अरे क्या है भाई, ये हाथी एक बार आना ठीक है पर रोज आ रहा है, मुझे कहीं ना कहीं डाउट आ रहा है, कहके अगले दिन दोनों हाथी आते वक्त एसआई उन हाथियों को ठीक से जांचना शुरू किया। वो हाथी वैसे चेकपोस्ट पार करते समय जानबूझ के एसआई वो चेकपोस्ट हाथी के ऊपर डाला। वो हाथी बिना कुछ आवाज किए वहां से चुपचाप निकल गया। अगले दिन हाथी आते ही एसआई उसके मेटल डिटेक्टर से परीक्षा करते वक्त साउंड निकला। तुरंत एसआई, हे ये रियल हाथी नहीं है, खिलौने का हाथी है, कहकर उसे जब्त किया। अंदर रहा शेषु को पकड़कर जेल में डाला। जायंट चिकन, उसका नाम योगेश है। एक बार योगेश के घर पर पत्नी से, अरे सुनो बहुत भूख लगी है, खाना तैयार है क्या? पत्नी किचन से, अब बाबा रुको जी, चिकन पीसेस पक रहे हैं। जल्दी चिकन खीमा के साथ रोटी खाओ तो वाह लाजवाब टेस्ट है, कहकर नाचने लगा। इतने में पत्नी चिकन करी रोटी सब लेकर आते ही, आहा ओहो, कहकर पूरा खा गया। कुछ देर बाद पत्नी आकर देखी तो पूरा चिकन रोटी सब खत्म हो गया था। ये क्या जी, 1 केजी भरकर चिकन पूरा खा गए, तो मैं क्या खाऊं? तुम अभी तक नहीं खाई, अयो बिचारी, फिर 1 केजी लेकर आना, इस बार हम दोनों मिलकर खाएंगे। पत्नी चिढ़कर, फिर से क्यों, मुझसे नहीं होगा। अरे सुनो ना प्लीज, कम से कम शाम के लिए लेकर आ जाओ प्लीज। ओ जी ऐसे बोल रही हूँ तो कुछ मत समझिए, सुबह नाश्ते में, दोपहर के खाने में, रात में, ऐसे तीनों बार 1-1 केजी चिकन खाओगे
तो पैसे कम पड़ जाएंगे जी, घर भी तो चलाना पड़ेगा ना। वो सबसे तुम्हें क्या, अगर चिकन ना हो तो मेरे गले से निवाला तक नहीं उतरता, तुम्हें तो पता है ना। वो नहीं जी, दिन में 3 केजी चिकन हम उस मस्तान की दुकान से ला रहे हैं, उन्हीं पैसों से वो 3 दुकान तक शुरू कर चुका है। बस बोल दिया ना, चिकन हर दिन चाहिए ही चाहिए, तुम्हें कोई ऐतराज ही है तो बताओ, मैं ही जाकर चिकन ले आऊंगा। ठीक है, अब से आप ही लेकर आइए, कहकर चली गई। अगले दिन योगेश मस्तान की दुकान पर जब आया, सर योगेश सर आइए आइए, आप ही तो हमारे इम्पोर्टेंट कस्टमर है, मैडम नहीं आए आज? हाँ वो नहीं आई, खैर 3 केजी चिकन दो। ठीक है सर, आपको नहीं दूंगा तो किसको दूंगा, कहकर चिकन को काट कर दिया। अरे मस्तान पैसे लाना भूल गया। अरे फिकर मत कीजिए भाई, कल लेकर आइए। योगेश घर जाते ही, अरे सुनो ये लो 3 केजी चिकन लाया हूँ, सुबह के समय चिकन पकौड़ी, दोपहर में बटर चिकन, शाम को ग्रिल चिकन बनाना। हाँ हाँ बनाती हूँ, बटर चिकन, चिकन 65 और क्या था, हाँ चिकन पकौड़ी, ऐसे ही पैसों को बर्बाद करो, कहकर चली गई। अगले दिन योगेश फिर मस्तान की दुकान गया। ये लो 3 केजी चिकन, कल के और आज के मिला के 1000 रुपए हुए। अरे मस्तान पूरे महीने का एक साथ दे दूंगा ना, लिख कर रख लो। मस्तान को शक हुआ और, वैसे नहीं चलेगा जी, आज ही दे दीजिए, शाम को आऊंगा, पैसे दे दीजिएगा। योगेश घर पर आकर पत्नी से, सुनो वो मस्तान को 1000 रुपए दे दो ना, बहुत ज्यादा नाटक कर रहा है। हाँ क्यों नहीं करेगा, ऐसे उधार लेते रहोगे तो कैसे जी, छी छी कहकर चली गई। उस शाम मस्तान जब योगेश के घर आया, बहन जो देने वाले 1000 रुपए है ना वो दे दो, मैं चला जाऊंगा। ये लो भैया, कहकर पैसे दी। मैं ऐसे कह रहा हूँ तो कुछ गलत मत सोचिए, हर दिन 3 केजी चिकन वो सच में खा लेते हैं? आपके पति को आप ही कंट्रोल में रख सकती हैं, वरना गांव भर में उधारी लेकर रखेंगे, मैं हूँ इसलिए चुप बैठा हूँ। आप कौन होते हो मेरे घर के मामले में घुसने के लिए, जिस काम से आए हो वो काम हो गया ना, अब जाओ। इतने में एक खिलौना वाला, हाँ खिलौने भाई खिलौने, कहते हुए वहाँ आया। योगेश की पत्नी वो खिलौना वाले के पास एक मुर्गी का खिलौना देखी और उसे एक उपाय सूझा, भैया इस खिलौने को किसने बनाया? मैंने ही बनाया है, क्यों क्या बात है? ठीक है जैसे मैं कहूँ वैसे करोगे तो मैं जितने चाहिए उतने पैसे दूंगी, यूं उसके कान में कुछ बोली। ओके कहकर चला गया। अगले दिन योगेश मस्तान की दुकान पर रोज की तरह गया। मस्तान, ये लो 3 केजी चिकन, लेकिन मुझे पैसे जिस दिन लिए उसी दिन चाहिए। 3 केजी नहीं 5 केजी चाहिए, घर पर मेहमान आने वाले हैं, इसलिए 2 केजी नाटी मुर्गी और 3 केजी देसी मुर्गी, लेग पीसेस चेस्ट पीस अलग से काटो। पैसे तो है ना, शाम को दे दूंगा ना, तुम्हें क्यों, तुम काटो। योगेश फिर चिकन लेकर घर के लिए निकला। रास्ते पर ढूम ढूम यूं आवाज करते हुए एक बड़ी सी मुर्गी आई। इतना बड़ा मुर्गी देखकर योगेश चकित होकर डर गया। मुर्गी के अंदर छिपी योगेश की पत्नी, क्यों रे तुम्हारी इतनी हिम्मत कि दिखने वाले हर चिकन को मारकर खाओगे? मुझे मिले समाचार के हिसाब से तुम ही हो जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चिकन खाता है। अरे अरे वो मैं नहीं हूँ, मैं कैसे ज्यादा खा सकता हूँ, मैं तो सिर्फ 3 केजी ही खाता हूँ। हर दिन 3 केजी, मतलब 2 बच्चे, यानी महीने के 60 चिकन को मारकर खाते हो? मेरे प्यारे बच्चों को मारकर चिकन 65, चिकन पकौड़ी के नाम पर पकाकर खा रहे हो? अब तुम देखो मैं तुम्हें खूब पकाकर खाऊंगी रे, कहते हुए करीब आई। अरे अरे मुझे मत मारो, चाहो तो मैं मुर्गी खाना बंद कर दूंगा। तुझ पर कैसे विश्वास करूं रे, और जो भी हो मुझे तो बदला लेना ही होगा, कहते हुए और करीब आई।
अम्मा मुझे माफ कर दो माँ, मैं फिर कभी चिकन नहीं खाऊंगा माँ, मैं मुर्गी खाना पूरी तरह से बंद कर दूंगा, मैं फिर कभी खाया तो आप मुझे खा लेना। तब से योगेश मुर्गी खाना पूरी तरह से बंद कर दिया। चिकलदारा नाम के गांव में मुन्ना नाम का एक चोर हुआ करता था। वो एक दिन अपने गैंग से, रे हम घरों पर अब चोरी करना बंद कर देते हैं क्योंकि वो बहुत रिस्की हो रहा है रे, लोग होते हैं, कुत्ते होते हैं, और तो और चोरी किया हुआ वो सोने को बेचने में जाओ तो इतनी परेशानी होती है, इसीलिए अब से हम पैसों से भरा एटीएम मशीन को चुरा लेते हैं। कहकर बहुत सारे एटीएम मशीन्स को चुराने गए। वो मशीन को खोलने के लिए बहुत मेहनत किए, ऐसे काम नहीं चलेगा सोचकर सारे मशीन्स को ही उठा ले गए। सारे मशीन्स यूं गायब हो गए। एक साथ होने वाली इस चोरी से बैंक अधिकारी परेशान हो गए थे, पुलिस कंप्लेंट दिए, फिर भी चोरी यूं ही होती रही। आखिर में बैंक अफसर पेपर और टीवी पर एक विज्ञापन दिए, आप लोग हर दिन पेपर में ये एटीएम चोरी के बारे में पढ़ रहे होंगे, आप में से कोई हो जो इस मशीन को इस तरह डिजाइन कर सके कि वो हिल भी ना पाए ना ही उसे कोई ले पाए तो हमें कंसल्ट कीजिए। यू अनाउंस करते ही मुन्ना को एक आइडिया आया, वही सीधे ऑफिसर के पास गया। सर मेरा नाम मुन्ना है, मैं नए किस्म के एटीएम मशीन डिजाइन किया हूँ सर, ये देखिए। उसका डिजाइन किया गया कोकोनट एटीएम उन्हें दिखाया। वो देखकर अफसर, ये क्या भाई नारे लेकर आए हो और वो भी इतना बड़ा, इसका हम भला क्या करें, हमने पैसे देने वाली मशीन मांगी थी, नारियल देने वाली मशीन नहीं। सर सर ये पैसे देने वाली मशीन ही है, चाहो तो देखो ये बटन जितने दबाए उतने पैसे देती है। कहकर ऑपरेट करके दिखाया तो उसमें से पैसे बाहर आए। वो देखकर बैंक वाले हैरान रह गए। सर सर यही नहीं, इसमें एक और अनोखी बात है, इसे तोड़ना आसान नहीं है, इसे इतने मजबूत आयरन से तैयार किया हूँ, कोई चोर इसे तोड़ने की कोशिश किए तो आपके बैंक और पास वाले पुलिस स्टेशन को वार्निंग अलार्म ट्रिगर हो जाएगा, वो अलार्म सुनते ही आप लोग जाकर उन्हें पकड़ सकते हो। यूं कहते ही, वाह शबाश मुन्ना शबाश, सुपर, इन चोर से परेशान हम जैसे लोगों के लिए तुमने इतना अच्छा उपाय निकाला, इतना बड़ा आविष्कार किया तो सरकार से अवार्ड भी दिलाएंगे, ये और भी बनाकर हमें दे दो। कहकर उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर मुन्ना को बहुत सारे पैसे दिए। उन पैसों से मुन्ना कई सारे कोकोनट एटीएम मशीन्स तैयार करवा कर सप्लाई भी किया। उन्हें देखकर मुन्ना के गैंग में से एक, ये क्या भाई बैठे बैठे इतने अच्छे इंसान बन गए, इतना मजबूत ये नया वाला एटीएम मशीन बनाओगे तो हम चोरी कहाँ से करेंगे, पता नहीं भाई जो आप किए हैं वो मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे गधे अब बैंक वाले चोर के हाथ में ही चाबी दे दिए, आओ दिखाता हूँ इस कोकोनट एटीएम मशीन में, किसी को ना पता चले वैसे वाला कोड कॉम्बिनेशन सेट किया हूँ, हम मामूली कस्टमर जैसे जाकर कोड देकर मुन्ना की जादुई मशीन हमको पैसे दे दो ये वॉइस कमेंट देके तो काफी है, फिर हमें कार्ड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और मशीन खुद ब खुद हम पर पैसों की बरसात कर देगी, इस मशीन को ना ही तोड़ने की जरूरत होगी ना ही उठाकर लाने की, आराम से पैसे ला सकते हैं। कहकर ऑपरेट करके दिखाया तो गैंग के लोग बहुत खुश हो गए। वाह भाई क्या बात है, आपका इंटेलिजेंस हम देख ही नहीं पाए, अब हमें पकड़ना किसी की भी बस की बात नहीं है। मुन्ना उन कोकोनट मशीन्स को बैंक वालों को डिलीवर किया, उन्होंने यहाँ वहाँ उन्हें लगा भी दिया। उन्हें देखकर लोग आश्चर्य से, वाव नए किस्म के एटीएम मशीन्स, बहुत अच्छा है, बहुत अलग किस्म के भी हैं ये। सोचे कुछ दिन तक कोई चोरी नहीं हुई, फिर देखा तो मशीन से अपने आप गड्डियां भर के पैसे गायब होने लगे। बैंक वाले फिर से पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दिए। वो कंप्लेन देकर एसआई, ये क्या कुछ तो बात चुभ रही है, मशीन वैसे का वैसा ही है लेकिन पैसे गायब हो रहे हैं, है तो वो डिजाइन में ही कुछ गड़बड़ है, उसे किसने डिजाइन किया, कौन सी कंपनी वाले ने, मुन्ना नाम की कंपनी वाले सर यही है उनका ओनर, देखिए। कहते हुए मुन्ना का फोटो दिखाया। वो देखकर एसआई, अरे ये नंबर वन फ्रॉड है सर, अब तो सीधे चोर के हाथ में ही चाबी दे दिए, कोई इस पर शक ना करे और वो पैसे भी गायब कर ले इसीलिए ऐसा किया होगा, उसे पकड़ने के लिए मेरे पास एक उपाय है, कांटे को कांटे से ही निकालना पड़ेगा। कहते हुए एक कोकोनट मशीन मंगवा कर इसमें पैसों के बदले मुझे रखिए, कहकर उसमें जाकर बैठा। ये बात से अनजान मुन्ना एक दिन वो कोकोनट मशीन को दबाकर एक कोड दबाया, मुन्ना की जादुई मशीन मुझे पैसे दे दो, कहते ही उसमें से पैसे नहीं निकले। फिर से थोड़ा जोर से, अरे ये क्या हुआ उसे, मुन्ना की जादुई मशीन मुझे पैसे दे दो, कहकर उस पर जोर से मारा, फिर भी पैसे नहीं आए। ये मशीन को क्या हुआ, अंदर से स्टक हो गया क्या, सोचकर अंदर हाथ डाला। बस अंदर बैठा एसआई उसके हाथ में हथकड़ी पहना दिया, किसी के हाथ में नहीं आने वाले मुन्ना को पकड़ने के कारण
एसआई को अवार्ड मिला। वो मोटीपुर नाम का गांव है, वहाँ एक से बढ़कर एक खाने वाले खाऊ आदमी ही है, इसलिए वो गांव में रहने वाले सब लोग मोटे ही रहते थे। एक बार उस गांव में एक आदमी एक नया ढाबा खोला। आइए भाई आइए, आज ही हमारा प्रारंभिक ढाबा को आइए, बटर चिकन, चिल्ली चिकन, चिकन 65 जैसे और बहुत मजेदार आइटम्स को खाकर मजे लीजिए, कहकर पुकारने लगा। उनके बात सुनकर वो खाने वाले लोग उस ढाबे में खाने के लिए आए। देखो भाई, 20 रोटी, एक बटर चिकन और एक फुल ग्रिल चिकन लेकर आओ। मुझे तो 20 रोटी और चिकन मसाला, कहकर ऐसे हर एक ऑर्डर दे रहे थे। रुकिए भाई रुकिए, पहले मैं हर एक को 3-3 रोटियां देता हूँ, एक ही बार इतने रोटियां बनाना मुश्किल है ना। ठीक है, तुम्हारे मर्जी, ऐसे ही करो। तब वो ढाबे वाले एक एक को 3-3 रोटियां डालकर और रोटी लाने के लिए ऐसे पीछे मुड़ा, तो वो लोग उन 3 रोटियों को एक ही बार मुंह में रखकर यूं ही खा लिए। सुनो, तुमने जो दिया वो 3 रोटी खत्म हो गए हैं भाई, बाकी रोटी लेकर आओ जल्दी। तब ढाबे वाले एकदम हैरान हो गया। अरे बाप रे, इतना जल्दी खा लिया है आपने? वो सब तुमको क्यों भाई, बाकी रोटी जल्दी लेकर आओ। तब ढाबे वाले ठीक है कहकर और 4-4 रोटी हर एक को डालकर फिर से लेकर आया, तो वो 4 रोटियों को भी यूं ही खा लिए थे। ये लो, तुमने जो डाला वो 4 रोटी खत्म हो गए हैं, जल्दी जल्दी से और रोटी लेकर आओ। ये कौन सा गांव है रे भाई, सब लोग ऐसे खा रहे हैं? सोचकर पहले दिन ही उस गांव का हालत उसको समझ में आ गया। बाप रे, मैं इधर ही रहूंगा तो पागल बन जाऊंगा, इन खाने वालों के बीच में व्यापार नहीं कर सकता हूँ, कहकर उधर से भाग गया। ऐसे बहुत सारे लोग उस गांव में कई तरीके के व्यापार करके विफल हो गए थे। एक बार उस गांव को निरंजन नाम का एक आदमी आया था, वो उनके पिता से, पिताजी मेरा MBA का पढ़ाई खत्म हो गया है, मैं हमारे गांव में ही कुछ व्यापार करने के लिए सोच रहा हूँ। क्या हमारे गांव में व्यापार करोगे? नहीं बेटा, इस दुनिया में कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, लेकिन हमारे गांव में व्यापार करना नामुमकिन है। आज तक बड़े बड़े व्यापारी इस गांव में व्यापार करने के लिए आकर विफल होकर वापस चले गए हैं बेटा। नहीं पिताजी, हमारे गांव ही सही है, हमारे गांव में अगर एक व्यापार सही से सक्सेस हुआ तो उससे देखकर और 100 व्यापारी आएंगे। हमारे गांव पीछे पड़ने के कारण केवल खाने वाले बक्षक ही है, तो उनके वजह से ही व्यापार करने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, आप देखते रहिए। अगले दिन निरंजन उनके दोस्तों से मिलकर उनका विचार को बताया। तब उनका एक दोस्त, अरे दुनिया में कहीं भी व्यापार कर सकते हो, लेकिन इस गांव में नहीं कर सकते है यार। अरे अच्छे से सोचो तो कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। तुम्हारे गांव में व्यापार क्यों नहीं कर सकते हैं मालूम है? खाने वाले बक्षक एक ही बार आकर ऊपर गिरेंगे भाई, तो कैसे रहता है, सबको एक ही बार सर्विस नहीं कर सकते हैं ना, कितना मुश्किल है मालूम है? वो इन खाने वाले लोगों को सर्विस नहीं कर पा रहे हैं और व्यापार को छोड़कर भाग रहे हैं। मेरे पास एक आइडिया है, अगर इस आइडिया को अच्छे से पालन किया तो हम जरूर सफल होंगे। कौन सा बिजनेस करना चाहते हो? बर्गर बिजनेस। क्या बर्गर का बिजनेस? ये लोग तो बर्गर को चॉकलेट जैसे खा लेंगे यार, इसलिए मैं जेंट बर्गर्स को तैयार करता हूँ, उन्हें एक ही बार खाने को नहीं होगा। अगले दिन निरंजन गांव वालों को बुलाकर, आइए भाई आइए, आज ही प्रारंभिक है हमारा जेंट बर्गर्स का दुकान, कहकर पुकारने लगा। जैसे सोचा वैसे ही उस गांव के खाने वाले लोग उस बर्गर शॉप के ऊपर एक ही बार आ पड़े। ये कोई पागल लग रहा है, हमारे गांव में बर्गर शॉप लगाया, आज हम इस बर्गर शॉप को भी देख लेंगे। एक बर्गर लेके आओ। निरंजन उनके दोस्तों के मदद से एक जेंट बर्गर को लेकर आया, उसको देखकर सब लोग हैरान हो गए हैं। क्यों भाई, ये बर्गर इतना बड़ा है? हाँ, हमारे शॉप में बर्गर्स इतना बड़े बड़े जेंट साइज के ही रहते हैं, कम ऑन आइए और खाइए, कहकर पुकारने लगा। सब लोग उस बर्गर को बहुत मुश्किल से खाने लगे। 3 घंटे खाने के बाद एक आदमी, अरे बाप रे, मेरे पेट तो भर गया है, मुझसे नहीं होगा, अब मैं तो चले जाऊंगा, कहकर उधर से चला गया। ऐसे अच्छे से खाने वाले लोग भी उस जेंट बर्गर को नहीं खा पा रहे थे, उधर से भागने लगे थे। तब से लेकर उस गांव में जो भी नया व्यापार लगाते थे तो जेंट साइज में ही शुरू करते थे। समोसा वाला जेंट समोसा बनाता था, जिलेबी वाला जेंट जिलेबी बनाता था,
ऐसे उस गांव में जैसे निरंजन ने बोला वैसे बहुत सारे नया व्यापार शुरू हो गए। उसका नाम सुशान मार्केट में जाके वहाँ पे कौन से फल कम में मिलते हैं वो खरीद कर वो बेचा करता था। एक बार उसे मार्केट में ज्यादा पाइनएप्पल दिखाई दिए, हमेशा के जैसा उसे खरीद के बेचने लगा। हाँ आइए बाबू आइए, ऑस्ट्रेलियन पाइनएप्पल, वाशिंगटन पाइनएप्पल, अमेरिकन पाइनएप्पल कहकर चिल्ला रहा था। खरीदने के लिए जो भी आए, क्या है जी ये सच में ऑस्ट्रेलियन पाइनएप्पल है? हाँ जी ऑस्ट्रेलियन है, टेस्ट जबरदस्त है। वैसे बहुत लोग जाके खरीदने लगे। घर पे सुशांत अपनी पत्नी से, कावेरी ये ले आज का पैसा कहकर दिया। क्यों जी एक दिन में इतने सारे पैसे कैसे आए? पाइनएप्पल के डिमांड बहुत ज्यादा है। भगवान के कृपा से हमारा व्यापार ऐसा ही चलता रहे कहकर चली गई। अगले दिन सेतु नाम के डाकू मार्केट में आके, देखिए मेरा नाम तो सुने होंगे, मेरा नाम सेतु है। अभी तक मैंने कितनी चोरियां और कितने सारे खून किया मुझे ही नहीं पता। मुझसे अगर तुम लोग पंगा नहीं लेना चाहते तो चुपचाप मुझे रोज का मामूली दे दो तो तुम लोग जिंदा बचोगे। मार्केट में रहे सभी लोग उससे डर के उसे मामूली देने के लिए तैयार हो गए। उस दिन शाम को सुशांत घर के पास आके, कावेरी ये लो आज का पैसा कहकर दिया। ये क्या है जी, कल तो ज्यादा आया था आज बहुत कम है। तो सुशांत घटी सारी बातें उसे बताया। पैसे गए तो गए, लेकिन आप उन चोरों के मुंह मत लड़िए। सुशांत का बेटा तब आके, डैडी कहाँ है मेरा फेवरेट पाइनएप्पल? ये ले बेटा ले कहकर उसे पाइनएप्पल दिया। अगले दिन डाकू आकर, ओए अगले महीने मेरे बेटे की शादी है, उसकी शादी में आपका महीने भर का पाइनएप्पल लोड पूरा का पूरा हमें ही देना होगा। शादी में आए सभी को हम पाइनएप्पल जूस पिलाएंगे। ये अन्याय है, मैं नहीं दूंगा। तो डाकू अपने पैर से उसे एक लात मारा, तब वो जाके दूर गिरा। नहीं दिए तो तुम सबका भी यही हाल होगा, मेरे बारे में तो जानते हो ना। तो मार्केट में रहे सारे व्यापारी हाँ बोलकर ट्रैक्टर में सारे पाइनएप्पल चढ़ाकर डाकू रहे स्थावर में पहुंचाए। उस दिन शाम को सुशांत जब घर पे पहुंचा तो कावेरी, क्या है जी इतना उदास क्यों लग रहे है? तब घटी सारी बातें बताया। सुशांत का बेटा आकर, पापा कहाँ है मेरा फेवरेट पाइनएप्पल? सॉरी बेटा लेकर नहीं आ पाया। वैसे सुशांत का व्यापार दिन ब दिन घटता जा रहा था और उसे पैसों की तंगी भी होने लगी। कावेरी एक बार, ओ जी घर पे दाना तक नहीं है, बच्चे ने भी कुछ खाया नहीं है। ठीक है मैं मार्केट जाके पाइनएप्पल्स लेकर आऊंगा। तो मार्केट में जाकर चुपचाप वो एक पाइनएप्पल लिया। बाप रे कम से कम एक तो मिला, ये बोले तो मेरे बेटे को बहुत पसंद है कहकर गया। रास्ते में वैसे जाते वक्त एक बूढ़ी औरत को बेहोश गिरा वो देखा, तो सुशांत उन्हें पानी पिलाया। भूख भूख, सुशांत को कुछ समझ ना आकर उसके पास रहा एक पाइनएप्पल को काट कर दादी को खिलाया। दादी पूरा का पूरा खा लिया। बेटा मैं कौन हूँ तुम्हें पता नहीं, फिर भी तुमने तुम्हारे पास रहा एक पाइनएप्पल दे दिया, ये लो ये पाइनएप्पल बीज लेकर जाओ और तुम्हारे घर के सामने बो देना, तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा कहकर चली गई। सुशांत तब घर पे आके बी बोया। अगले दिन वो बी एक बड़ा पाइनएप्पल में पलट गया। गांव वाले सभी उस अद्भुत पाइनएप्पल को देखने के लिए आने लगे। देखिए अब से हम हमारा व्यापार फिर से शुरू करेंगे, वो डाकू अगर आएगा तो इस पाइनएप्पल में से जितना चाहे उतना जूस उसे दे देंगे। सबको वो आइडिया अच्छा लगा और वो सब डाकू के पास गए। वहाँ पे सुशांत, डाकू साहब आपके बेटे की शादी के लिए आपको जितना चाहिए हम उतना पाइनएप्पल जूस देंगे, पर हमें हमारा धंधा ठीक से शुरू करने के लिए अनुमति दीजिए।
तो डाकू थोड़ा सोचने के बाद, वैसा क्या, तो ठीक है। वैसे वो डाकू गैंग आके उस पाइनएप्पल्स में आए जूस को ड्रम्स में भर के लेकर जाने लगे। फिर से उस गांव के लोग पाइनएप्पल बिजनेस करना शुरू किए। सुशांत को फिर से हमेशा के जैसा मुनाफा आने लगा। सुशांत कावेरी हमेशा के जैसा खुशी खुशी रहने लगे। एक गांव में प्रकाश नाम के एक आदमी एक होटल चला रहा था। प्रकाश बहुत लालची आदमी था। कल परसों का बचा हुआ खाना सबको बेचता था। वैसे उसके काउंटर के ऊपर बहुत ठंडे समोसे रखता था और उनके ऊपर मक्खियां भी बैठते थे। उस गांव में दूसरा होटल नहीं था, इसलिए मजबूरी से गांव के लोग और उधर से जाने वाले पर्यटक प्रकाश के होटल में ही खाना खाते थे। ऐसे ही प्रकाश बहुत पैसा कमाने लगा। एक दिन प्रकाश के होटल के सामने लक्ष्मण नाम के एक आदमी उसकी बेटी गीता के साथ एक छोटे से समोसे का दुकान खोल दिया और गर्मा गर्म समोसे बेचने लगे। उधर समोसे गरम गरम रहने से सब लोग प्रकाश के होटल को छोड़ के लक्ष्मण और गीता के यहाँ समोसे खाने लगे और प्रकाश का होटल खाली हो गया था। प्रकाश को गुस्सा आकर लक्ष्मण के पास जाके उनसे, क्या तुझे मालूम है मैं कौन हूँ? मेरा नाम प्रकाश है, मेरा नाम में भी कैश है। अगर मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारे गाड़ी को इधर से निकालो, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। साहब, आप बड़े आदमी हैं, आपका बड़ा होटल है, मैं तो गरीब आदमी हूँ। ये छोटा सा समोसा का दुकान रख के मेरी बेटी की परवरिश कर रहा हूँ। बेचारी की माँ भी नहीं है। मैं जिंदगी में सब खोकर ये समोसे का दुकान लगा के जीवन बिता रहा हूँ। आप कृपया करके मुझे छोड़ दीजिए। तुम्हारी ये मजबूरी कहानियों को सुनने के लिए मेरे पास दिल नहीं है। जो मेरे रास्ते पे आया था उनको हटा कर ही मैं इतना बड़ा आदमी बना। तेरे जैसे लोग बातों से नहीं सुनते हैं। तुमको कैसे निपटना है मुझे अच्छी तरह मालूम है, कहकर उधर से चला गया। थोड़े देर के बाद दो गुंडे आकर लक्ष्मण के समोसे के गाड़ी को टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। फिर एक गुंडे ने प्रकाश से कहा, और एक बार इधर धंधा किया तो अगली बार तुमको टुकड़े कर देंगे, कहकर चला गए। लक्ष्मण को क्या करना है ये समझ में नहीं आया। कुछ दिन के बाद लक्ष्मण और गीता अपने झोंपड़े में बैठे हुए थे। फिर गीता ने लक्ष्मण से बोली, बापू मुझे बहुत भूख लग रही है। तो लक्ष्मण ने कुछ बनाने के लिए देखा तो एक आलू और थोड़ा सा आटा बचा हुआ था। लक्ष्मण ने दो समोसे बनाकर गीता को दिया। इतने में उनके झोंपड़े के सामने एक बूढ़ी औरत आकर, बाबा खाना खा के दो दिन हो गया, खाने को कुछ दो ना, बहुत भूख लग रही है। लक्ष्मण सोचने लगा। इतने में गीता बिना कुछ सोचे वो दो समोसे को लेकर उस बूढ़ी औरत को दे दिया। वो औरत जल्दी जल्दी समोसा खाके एक देविका के रूप में बदल गई। लक्ष्मण और गीता उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो गए। बेटी इतनी छोटी उम्र में इतनी दया दिखाई, तुम्हारे जैसे लोगों को तो जीवन में अमीर बनना है, इसलिए मैं तुम्हें एक मायावी समोसा देती हूँ, उससे आप बहुत अमीर बन जाओगे, कहकर एक समोसा उनको दिया। लक्ष्मण और गीता देवी को प्रणाम किया और वो देवी उधर से अदृश्य हो गई। इतने में समोसे के एक तरफ से सोना और एक तरफ से पैसों की नोट निकलने लगे। लक्ष्मण और गीता दोनों सब इकट्ठा कर लिए थे। जल्दी ही लक्ष्मण एक बड़ा बंगला बनाया और गीता कार में स्कूल जाने लगी। ऐसे वो लोग गरीब लोगों को मदद करने लगे। गरीब लोग आके समोसा को प्रणाम करते थे और समोसे से सोना और पैसा निकलता था। वो लेके गरीब लोग लक्ष्मण को प्रणाम करते थे। ऐसे ही गांव में सब गरीब लोग धनवान हो गए। एक दिन प्रकाश ने, वो समोसा सिर्फ गरीब लोगों को ही मदद करता है क्या? तो मैं भी एक गरीब जैसा नाटक करके उनके पास सोना और पैसा लूट लूंगा, सोचा। तुरंत प्रकाश एक भिखारी का रूप में लक्ष्मण के घर गया था। लक्ष्मण ने पहले प्रकाश को पहचान लिया, लेकिन नहीं पहचाना जैसा चुप रहा। प्रकाश वो समोसे के पास आके, हे माँ, मेरे पास एक बूटी कौड़ी भी नहीं है, इतना घटिया भिखारी हूँ, मुझे 10 किलो सोना और 10 करोड़ रुपया दिया तो कैसे भी समझौती कर लूंगा माँ, बस और इतना लालची भी नहीं हूँ मैं। फिर वो समोसे से एक बड़ा सा आलू निकलकर
प्रकाश के सिर पर पड़ा और प्रकाश आलू के नीचे जाके गिर पड़ा और बचाओ बचाओ मुझे बचाओ, आलू के नीचे कुचल जा रहा हूँ कहकर पुकारने लगा। लक्ष्मण और गीता आकर वो बड़ा आलू को हटाया। प्रकाश उठकर, मुझे क्षमा करो, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, आप अच्छे लोग हैं इसलिए भगवान आपको अच्छा किया, अब से मैं भी ईमानदार की जिंदगी जीऊंगा कहकर प्रणाम किया और वो दोनों खुश हो गए। गोल्डन पानीपुरी। एक गांव में सुप्रिया नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। वो विदेश में पढ़ाई करके इंडिया लौटा है। एक दिन सुप्रिया अपने पापा से, डैड कनाडा में मैंने बहुत तरह के व्यापार देखे हैं, बड़े सीईओ मैनेजर्स सलाह के लिए मेरे पास आते हैं, 130 कंपनी के सीईओज 220 कंपनी के मैनेजर्स हरदम मुझसे टच में रहते हैं डैडी। सीधे सीधे बोलो, कहना क्या चाहते हो? मैं एक पानीपुरी होटल खोलना चाहता हूँ डैड, उसके लिए मुझे 50 करोड़ रुपए चाहिए। क्या, पानीपुरी होटल खोलने के लिए 50 करोड़ चाहिए? क्या बात कर रहे हो रे? डैड आपको पता नहीं डैड, मैं पैन इंडिया चेन ऑफ होटल्स स्टार्ट करना चाहता हूँ। सबसे पहले अपने गांव से शुरू करूंगा, अपने गांव में ही खोलूंगा और उसके बाद धीरे धीरे दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में भी इसके ब्रांचेस खोलूंगा। तू कुछ भी बोल, मगर पानीपुरी होटल के लिए 50 करोड़ बहुत बड़ा निवेश है रे। ओफो कम ऑन डैड, मुझ पर भरोसा रखिए, 130 सीईओ और 220 मैनेजर्स मेरे पास हरदम सलाह पूछने के लिए आते हैं। सुप्रिया के पिता राजी होने के कारण सुप्रिया अगले दिन एक बड़े से पानीपुरी के आकार में होटल बनाना शुरू किया। थोड़े दिन के बाद सुप्रिया के पिता होटल का काम कैसा चल रहा है जांच करने के लिए वहां आए। पिताजी वो बड़े से पानीपुरी के बिल्डिंग को देखकर, ये क्या रे, इतना बड़ा पानीपुरी बिल्डिंग बना रहे हो, उतने पैसे खर्चा क्यों कर रहे हो? डैड ईफिल टावर उतना फेमस क्यों हुआ और दुबई का बुर्ज खलीफा उतना फेमस क्यों हुआ पता है? हाइट पिताजी, हाइट। हमें जितनी ऊंचाई पर जाना है तो उतनी ही ऊंची बिल्डिंग बनानी चाहिए कम समय में फेमस होने के लिए, ये एक ट्रिक है डैड। ठीक है तू कुछ भी कर, मगर व्यापार को बिगाड़ना मत, हमारे पूरे जायदाद खेत पूरे गिरवी रखकर ये पैसे दिया हूँ। ओहो डैड, अब फर्स्ट डे के ओपनिंग पर देखिए अपना पूरा गांव हमारे होटल के पास ही रहेगा और 3 दिन में होटल ओपन कर रहा हूँ देख लीजिए। 3 दिनों के बाद सुप्रिया के पिता गांव के सड़क पर आते ही देखा कि सारे गांव के लोग कहीं भाग रहे थे। प्रिया के पिता एक को रोककर, रे तुम सब कहाँ भाग रहे हो रे? साहब अपने गांव में पानीपुरी होटल लगाया कहकर सुना है, मैं वहीं जा रहा हूँ। इसमें नई बात क्या है रे, हमारे गांव में तो पानीपुरी कब से की है। अब्बा मुझे छोड़िए सर, जाकर आपके बेटे से पूछिए, अगर मैं लेट हो गया तो मुझे पानीपुरी नहीं मिलेगी कहकर चला गया। वाह मेरा बेटा कितना महान है, एक ही दिन में इतने कस्टमर्स को आकर्षित किया, तो वो मामूली आदमी नहीं है। क्यों नहीं 130 सीईओ 220 मैनेजर्स उसकी सलाह ऐसे ही ले लेंगे क्या, ये मामूली बात थोड़ी है कहकर पिता बहुत खुश होकर वो होटल के पास चले। होटल में पिता एक टेबल पर बैठकर सर्वर से, भाई एक प्लेट पानीपुरी लाना। सर्वर एक प्लेट पूरा गोल्डन पानीपुरी लाकर परोसा। आहा एकदम सोने के जैसा ही है, सोचकर वो पानीपुरी को मुंह में डाला, मगर बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो पानीपुरी खा नहीं सके। बाप रे मैं ये पानीपुरी क्यों नहीं खा सक रहा हूँ, ये सच में असली सोने से बना पानीपुरी है क्या? सोचकर टेबल पर घिस कर देखा, बस बाप रे हाय हाय ये तो असली सोने का पानीपुरी है, अब समझ में आया कि इतने लोग यहाँ जमा क्यों हुए। सुप्रिया से, पूरा सत्यानाश कर दिया रे तूने। रे ये क्या है, मामूली लोग सोने का लेप किया हुआ पानीपुरी बेचते हैं, तू क्या रे असली सोने का पानीपुरी बेच रहे हो? डैड डोंट वरी डैड, ऐसे करने से ही लोग आएंगे, आपने देखा ना कितने लोग आए हैं। रे क्या बात कर रहे हो रे, 130 सीईओ और 220 मैनेजर तेरी सलाह कैसे ले रहे रे? वो सब मुझसे बिजनेस कैसे नहीं करे, क्या करने से बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा ऐसे किस्म के सलाह लेते हैं डैड। उसके बातों से पिता बेहोश हो गए।